भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से ओबीसी जागर यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज वर्धा जिले से राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए के हाथों हरी झंडी दिखाकर हुई है। इस दौरान फडणवीस द्वारा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से ओबीसी समाज के लिए विविध योजना शुरू की गई है। इस योजनाओं को ओबीसी समाज तक पहुंचाना और समाज को इसका लाभ मिले, इसलिए यह ओबीसी जागर यात्रा का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। अलग अलग चरण में ये राज्य में भ्रमण कर ओबीसी समाज में योजना के लाभ को लेकर जन जागृति करेंगी। चंद्रशेखर बावनकुळे जी हे ओबीसी जागर यात्रेची सुरुवात करतायत, त्याचा समारोप मी करणार आहे। आणि ही जी यात्रा आहे विशेषता ओबीसी समाजा करता राज्य सरकारने ज्या वेगवेगळ्या योजना सुरू केलेल्या आहेत, त्या योजना ओबीसी समाजापर्यंत पोहोचवणं, त्यांच्यात जागृती करणं आणि त्या योजनांचा खरा लाभ हा ओबीसी समाजाला मिळाला पाहिजे अशी ही जनजागृतीची योजना आहे। आणि श्री आशिष देशमुख यांच्या नेतृत्वात ही यात्रा या ठिकाणी निघाली आहे, वेगवेगळ्या भागांमध्ये ती जाणार आहे। त्या त्या ठिकाणचे आमचे लोकप्रतिनिधी असतील, तिथले सगळे नागरिक असतील, यांच्या समवेत या ओबीसी योजनांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जाणून जागृती करण्यात येणार आहे।